वेलकम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं एंटोनिम्स। ये हम पहले भी कर चुके हैं एक बार। कुछ बच्चों ने कहा था कि इनको हमें रिपीट कर दीजिए कि ये क्या चीज़ें। अब आज का हमारा टॉपिक है एंटोनिम्स ग्रामर के क्वेश्चन में, फंक्शनल ग्रामर में। तो ये लिखा हमने एंटोनिम्स। अब एंटोनिम्स होते क्या हैं? एंटोनिम्स क्या होते हैं? जो हमें वर्ड दिया होता है, दे आर द अपोजिट्स, मीन एकदम से उल्टे, और नियरली द अपोजिट ऑफ ईच अदर। या तो बिल्कुल उलट होते हैं या थोड़ा सा उनमें फ़र्क होता है, लेकिन उनका मीनिंग यही निकलता है कि वो उनके उल्टे, उनके विरोधी शब्द। तो ये है कि आप अपनी बुक्स में से देखेंगे तो वहाँ लिखे हुए हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, दो तरह के हैं, और साथ में पेयर ऑफ वर्ड्स भी हैं। वो सब हम कर चुके हैं ग्रामर में। तो एक बार आप, मैं कुछ रिपीट करवा देती हूँ आपको कि ये क्या है। अब हमने बता दिया आपको ये अपोजिट्स हैं और नियरली अपोजिट, ठीक है। तो सपोज हमारे पास है बिजी। बिजी का मीनिंग क्या होता है? व्यस्त रहना, ठीक है, काम में व्यस्त रहना। तो इसका हम विरोधी क्या बनाएंगे, एंटोनिम्स क्या बनाएंगे, इसके जो इसके साथ का मतलब निकलता है मीन विरोध के रूप में, IIDLA, ठीक है, IDLA, आइडल मीन निकम्मा, निठल्ला, बिजी मैना व्यस्त, और ये निठल्ला। अब है एबसेंस। एबसेंस आप समझते हो अनुपस्थित, ठीक है। अब उपस्थिति को क्या बोल लेंगे हम, ठीक है, प्रेजेंस। उपस्थिति को क्या बोलेंगे, प्रेजेंस, और एब्सेंस का एकदम से ये विरोधी हो गया। नेक्स्ट है हमारे अबव। अबव मीन ऊंचा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, बिलो, ये सेकंड का। अब ये हमारा क्या है, एडमायर। एडमायर मीन प्रशंसा करना। प्रेजेंस, और क्लियर हो गया, ये थोड़ा लाइट था। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। अब इसका हम उल्ट करेंगे, विरोध जो करते हैं, तो क्या आ जाएगा, डिटेस्ट। अब नेक्स्ट है एक्टिव। एक्टिव का मीनिंग क्या होता है, सक्रिय। एक्टिव का मीनिंग क्या होता है, सक्रिय, और इसका उल्ट हो जाएगा, जो पैसिव है वो निष्क्रिय। अब नेक्स्ट है एडवांस। एडवांस में आगे बढ़ना, ठीक है, रेट रेट जो आप देखते हो सेरम में भी देखते हो, रेट रेट पीछे हटना। नेक्स्ट है हमारा अराइवल। अराइवल पहुंचना, डिपार्चर नाम। नेक्स्ट है इसके सामने सामने लिखना, बिल्कुल ऐसे इसके सामने आए, जो भी आप शब्द लिखोगे बिल्कुल उसके सामने लिखना, तभी ठीक होता। नहीं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, या लिखते बिजी और नीचे उसका लिखेंगे आइडल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल उसके सामने लिखो या उसको एरो दे दो पूरा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाय। बाय खरीदना और सेल बेचना। ठीक है, बर्थ। नेक्स्ट है बर्थ। बर्थ मीन जन्म, और डेथ मीन मृत्यु।
नेक्स्ट हमारा है ब्राइट। ब्राइट आप समझो, ब्राइट मीन ज़्यादा रोशनी वाला, चमकदार। तो इसका हम डल लिख सकते हैं, डार्क भी लिख सकते हैं। ब्राइट का क्या, डल, डार्क भी लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट है ब्लैक। ब्लैक मीन, ब्लैक मीन काला, और इसका क्या लिखेंगे, उलट विरोधी क्या लिखेंगे, वाइट। अब है आ गया हमारा डार्क। डार्क का क्या लिखेंगे, ब्राइट। ब्राइट का मैंने कहा ना, डार्क भी लिख सकते हैं। ब्राइट ठीक है, ब्राइट हो गया इसका। नेक्स्ट हमारा आ गया ड्राई। ड्राई, ड्राई मीन सूखा, तो इसका उलट हम क्या लिखेंगे, विरोधी क्या लिखेंगे, वेट। अब आ गया डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है, मुश्किल, ठीक है। तो क्या आसान, मुश्किल का आसान, आसान की इंग्लिश इजी। नेक्स्ट हमारा आ गया डे। डे मीन देन, इसका विरोधी की क्या लिखेंगे, नाइट। इसी तरह से ये एंटोनिम्स आपको आते हैं, आपके एग्ज़ाम में दो एंटोनिम्स आते हैं, तो आपकी बुक्स में काफ़ी सारे दिए हुए हैं, आप वहाँ से याद कर लेना। अब आपको पता चल गया कि इसके हमने उलट लिखने हैं या नियर बाय, इनका मीनिंग होता है एक दूसरे का, ठीक है। अगर इस तरफ वाला आ जाए तो आप लेबल लिखोगे, अगर लेबल आ जाए तो आप ये लिखोगे, यानी एक दूसरे का, ईच अदर, विरोधी शब्द हमने लिखना है। इसी तरह से हमारे सिनोनिम्स भी आते हैं, वो हम फिर करेंगे, इसको दोबारा एक बार रिपीट करेंगे। एक बार मैं आपको करवा चुकी हूँ, अब आपको रिवीजन करवाई है, तो आप अपने बुक्स में काफ़ी सारे दिए हुए हैं, वहाँ से आप इनको याद कर लेंगे। समझ तो आ गई ना आपको, इसको कैसे लिखना है, हमने इसका उलट करके लिखना है उसका मीनिंग, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कोई और प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए।